हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड फ्रेंड्स, बाकी जो भी सारे वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम साहित्यिक परिचय देखेंगे और फिर रचनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। बिहार राज्य में एक मुंगेर जिला है और उस मुंगेर जिला में एक सिमरिया नामक ग्राम है, वहीं पर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। ओके, आगे है कि इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। इनके पिता का नाम था फ्रेंड्स रवि सिंह तथा इनकी माता का क्या नाम था, तो मनरूप देवी, ठीक है। देखिए आगे, इनकी अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगी रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। इनफैक्ट मैंने जितने भी सारे अभी तक जीवन परिचय आपको बताए हैं लेखक और कवि के, सभी जीवन परिचय मैंने आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताया कि आपको याद हो जाएगा फटाफट से, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। ओके, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, इस वीडियो को देखने के बाद से जाकर देख लीजिएगा। ओके, आगे है कि इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की, ठीक है ना। पटना विश्वविद्यालय, पटना क्या है, पटना बिहार की राजधानी, तो वहां से इन्होंने जो है BA की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की, ठीक है। पारिवारिक कारणों के कारण जो है ये आगे नहीं पढ़ सके, क्योंकि इनके पिता की जो है मृत्यु हो गई, तो अब घर में कोई पैसा कमाने वाला चाहिए ही, तो पारिवारिक कारणों की वजह से जो है ये आगे नहीं पढ़ सके और नौकरी में जो है लग गए, ठीक है। अभी इन्हें लगा कि अभी इन्हें नौकरी कर लेना चाहिए। आगे कि कुछ दिनों तक दिनकर जी ने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया, ठीक है। कुछ दिनों तक जो है दिनकर जी ने प्रधानाचार्य के पद पर जो है कार्य किया और उसके बाद जो है, और कुछ दिनों के बाद जो है ये बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर जो है आसीन हो गए। सन 1974 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये है इनका जीवन परिचय और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है, फटाफट से आपको याद भी हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साहित्यिक परिचय, रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जो फ्रेंड्स, वो छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्हें प्रगतिवाद कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ जो है समझा जाता है। इन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर जो है काव्य रचना की, किंतु उनकी राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं ने जो है जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। उन्होंने इन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जो है प्रतिष्ठा मिली है। किसे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे की भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी जो है सम्मानित किया गया। ओके, तो ये साहित्यिक परिचय है और साहित्यिक परिचय भी कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग रचनाएं देख लेते हैं, जो भी सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो रचनाएं देख। तो देखिए फ्रेंड्स, रचनाएं, पहला है रेणुका, ठीक है, रेणुका। दूसरा है उर्वशी, तीसरा है ओंकार और चौथा है रसवंती, पांचवा है कुरुक्षेत्र और छठा है सामधेनी। आई होप सो कि आपको ये सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड अगर आप किसी न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।